तुम्हारा हृदय तोड़ दे और तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। सुना आपने किस तरह राजा भैया गाना गा रहे हैं? राजा भैया का ये गीत सुनकर जितना आप हैरान हैं, उतना ही इस भीड़ में मौजूद हर इंसान हुआ है। लेकिन इस गीत के पीछे भी एक पुख्ता वजह है, उस खास वजह के बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर राजा भैया हैं कहाँ। दरअसल ये तस्वीरें राजा भैया के गृह जनपद प्रतापगढ़ कुंडा की हैं, जहां से राजा भैया एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार ऐसा देखा गया है कि किसी शख्स ने राजा भैया के खिलाफ पर्चा दाखिल करने की हिम्मत दिखाई है। यानी इस बार सूरज पश्चिम से निकला और राजा भैया के खास आदमी ने ही उनके खिलाफ नामांकन कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुलशन यादव की। गुलशन यादव किसी वक्त में राजा भैया के बहुत खास हुआ करते थे, लेकिन इस बार गुलशन ने राजा भैया की आंखों में आंखें डालकर पर्चा दाखिल कर दिया। गुलशन राजा भैया को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। फिलहाल प्रतापगढ़ में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ही किसी ने राजा भैया से गुलशन के बारे में सवाल कर लिया, जिसका जवाब भी राजा भैया ने कुछ इस अंदाज में दिया कि भाई परिवार के लोग गलत रास्ते पे जाते हैं तो रोकना हमारा काम है, बाकी आपकी मर्जी है। तो लाइन है कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे और तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे। यानी कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि राजा भैया का मानना है कि उनके विरोधी गुलशन यादव उनके ही परिवार का हिस्सा है और वो भटक गए हैं, लिहाजा जब वो वापस आना चाहेंगे तो राजा भैया उन्हें गले लगा देंगे। फिलहाल राजा भैया ने बड़े दिल का सबूत देते हुए ये बात तो कह दी, लेकिन क्या राजा भैया वाकई में गुलशन यादव को गले लगाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। प्रतापगढ़ से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू और मोहम्मद आसिफ दुलार के साथ दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर न्यूज टाइम नेशन की तरफ से सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।